दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकती चलते हैं। जी बिल्कुल जसप्रीत, दुनिया के बड़ा खतरा हो सकती है ये बैलिस्टिक मिसाइल, और युद्ध का परिणाम हार होगा या जीत तो बाद में पता चलता है, लेकिन युद्ध का पहला नतीजा मौत होती है। यूक्रेन के अंदर मारियुपोल की जंग में इस वक्त एक ऐसी ही खौफनाक और दर्दनाक मंजर पूरी दुनिया देख रहा है, जहां पर पूरे शहर रूस के कब्जे में चले गए हैं और एक स्टील प्लांट के अंदर यूक्रेन के घायल सैनिक मौजूद हैं, आम लोग मौजूद हैं, मासूम बच्चे मौजूद हैं, और इन सबको ये नहीं पता है कि मौत इनके साथ क्या खेल खेलने वाली है। क्या है जंग की भयानक तस्वीर, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। जब जंग होती है तब जान की कोई कीमत नहीं होती है। सबसे खौफनाक हालत उन सैनिकों की होती है जो लड़ते लड़ते दुश्मन सेनाओं से घिर जाते हैं और फंस जाते हैं। वो जानते हैं कि मौत उनके बिल्कुल करीब है। उनको पता चल जाता है कि दुश्मन का उनके शहर पर कब्जा हो चुका है। बहुत सारे सैनिक इस तरह दुश्मनों से घिरने के बाद सरेंडर कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शेरदिल भी होते हैं जो मुट्ठी भर होने के बाद भी मुकाबला करते रहते हैं। दुश्मन को नाकों चने चबवा देते हैं, मर जाते हैं लेकिन अपना मोर्चा नहीं छोड़ते। और यूक्रेन की एक ऐसी ही बटालियन है, अजोव बटालियन। पूरे मारियुपोल में यूक्रेन के सारे सैनिक या तो मार दिए गए या फिर कैद कर लिए गए, लेकिन यूक्रेन में जेलेंस्की की अजोव बटालियन के 800 सैनिक ऐसे हैं जो आज भी एक हारे हुए शहर को बचाने के लिए मोर्चा ले रहे हैं। ये हैं जेलेंस्की के 800। ये खतरनाक लड़ाई इस वक्त भी पूर्वी यूक्रेन के मारियुपोल शहर में चल रही है। ये पूरा शहर रूस की सेनाओं ने बर्बाद कर दिया है। ये शहर इतना वीरान हो गया है कि अब यहां इंसान क्या, जानवरों को भी डर लग रहा है। मारियुपोल की ये तस्वीर देखिए। मिसाइलों के धमाकों से बर्बाद हुई इमारतों के मलबे के करीब बैठी हुई सहमी हुई इस बिल्ली को देखिए। जंग कितनी दर्दनाक होती है इन तस्वीरों से समझिए। ये बिल्ली जिंदा है लेकिन सैकड़ों इंसान इस मारियुपोल की जंग में मार दिए गए हैं। मारियुपोल में सब कुछ तबाह हो चुका है, फिर भी अजोव बटालियन ने एक स्टील प्लांट पर कब्जा बरकरार रखा है। ये उसी स्टील प्लांट की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में मारियुपोल की इसी अजोव स्टील प्लांट पर हेडलाइंस छप रही हैं। स्टील प्लांट से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो दिल दहला सकती हैं। इस स्टील प्लांट के नीचे बने हुए बंकरों में यूक्रेन के नागरिक छुपे हुए हैं और इनमें छोटे मासूम बच्चे और महिलाएं भी हैं। कैसे चल रही है एक स्टील प्लांट के अंदर जिंदगी और मौत की ये जंग, हम आपको विस्तार से समझाएंगे। दावा किया जाता है कि स्टील प्लांट में जमीन के भी नीचे अंडरग्राउंड कमरे बने हुए हैं। ये ऐसे बंकर हैं जहां एटम बम का भी असर नहीं पड़ सकता। क्या खासियत है इन बंकर्स की, आपको ये भी समझाएंगे। लेकिन फिलहाल रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी तरह से इस स्टील प्लांट को खाली करवाना। रूस पूरा मारियुपोल जीत चुका है सिर्फ इस स्टील प्लांट को छोड़कर। रूस की आर्मी की तरफ से बार बार ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि मारियुपोल के स्टील प्लांट को खाली करा दिया जाए। रूस का कहना है कि अगर स्टील प्लांट को खाली कर दिया जाएगा और सरेंडर कर दिया जाएगा तो यूक्रेन के सैनिकों की जान बख्श दी जाएगी। добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований. С этой целью введен режим полной тишины,
прекращены любые боевые действия, подразделения вооруженных сил России и формирование Донецкой Народной Республики по всему периметру Азовстали. लेकिन अजोव बटालियन के इन लड़ाकों ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि उनको पुतिन पर कोई भरोसा नहीं है। पुतिन की बेरहम और क्रूर सेना के सामने वो सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि कोई तीसरा देश हस्तक्षेप करे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, नहीं तो लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे। Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічні дні або години. Угрупування противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування у повітрі, в артилерії, в угрупуваннях, які діють на суходолі, технікою та танками. Ми ведемо оборону на одному об'єкті, на заводі, де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили в пастку війни. Ми звертаємось до світових лідерів допомогти нам. Аджов батальйон लगातार रूस पर दबाव बनाने के लिए कई तरह के वीडियो रिलीज कर रही है। ऐसा ही एक वीडियो अजोव बटालियन ने रिलीज किया है, जिसमें स्टील प्लांट के नीचे मौजूद बंकर्स के अंदर यूक्रेन के आम लोग नजर आ रहे हैं। इन लोगों में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं। सप्लाई लाइन काट दी गई है। यहाँ न तो लोगों के पास खाना है, न ही पीने के लिए पानी है। यहाँ लोगों को हर पल मौत का डर सता रहा है। Прийшли сюди, і моєму синочку було 3 місяці. От я з 3 дітьми. Здесь как бы условия не сильно для дітей. Ні учеба, ніякого розвитку, питання. मरियुपोल के इन लोगों पर जब रूस के बम बरस रहे थे तो इन्हें लगा कि यही स्टील फैक्ट्री उनकी जान बचा सकती है। यूक्रेन के नागरिकों ने यहां पर शरण ले ली, लेकिन अब ये सारे यूक्रेनी नागरिक यहां पर बुरी तरह से फंस चुके हैं, जान के लाले पड़े हैं। इस पूरी स्टील फैक्ट्री का ढांचा इस तरह से है कि जमीन के ऊपर फैक्ट्री है, लेकिन जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स है। यहाँ 4,000 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। जब यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा था, तब 1930 के करीब इस स्टील फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, और 1980 के करीब जब अमेरिका और रूस का शीत युद्ध चल रहा था, तब नागरिकों के बचाव के लिए 4 वर्ग मील में फैली इस फैक्ट्री के नीचे इस तरह के अंडरग्राउंड बंकर्स जैसे कमरे बनाए गए थे। और अब अजोव बटालियन का दावा है कि इन्हीं बंकर्स में महिलाएं और बच्चे भी छुपे हुए हैं। अजोव बटालियन ने ही इन तस्वीरों को रिलीज किया है, लेकिन रूस की आर्मी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अजोव बटालियन सिर्फ एक प्रोपेगंडा वीडियो रिलीज कर रही है, जो पूरी तरह से झूठा है। Украинских средствах массовой информации, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на Азовстали большом количестве мирного населения. Уверены, что это очередной. एक तरफ अजोव बटालियन दुनिया से ये अपील कर रही है कि किसी तीसरे देश की मदद से यहाँ पर महिलाओं और बच्चों और घायलों का रेस्क्यू कराया जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरह के वीडियो भी रिलीज कर रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि मरियुपोल में अभी यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया है और जंग जारी है। ये एक ऐसा ही वीडियो है जो अजोव बटालियन ने ही ड्रोन से रिकॉर्ड किया है। ये वीडियो इतना खौफनाक है कि आप देखकर दहल जाएंगे। दरअसल रूस के सैनिक भी इस प्लांट के आसपास पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पॉइंट ब्लैंक पर लड़ाई चल रही है। सबसे पहले देखिए, ये जेलेंस्की की अजोव बटालियन है जो पोजीशन लेकर बस की तरफ जा रही है। इस फुटेज में गन फायर साफ नजर आ रही है। ये एक और टॉप एंगल तस्वीरें देखिए कि कैसे ये सैनिक पोजीशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अब ध्यान से देखिए, इस लाल रंग की वैन के पार इन्हीं सैनिकों ने कुछ ग्रेनेड फेंके हैं जो फट गए हैं और धुआं उठ रहा है।
इसके बाद इसी लाल रंग की वैन के करीब दीवारों से सटे हुए आपको कई लोगों की लाशें नजर आएंगी। दावा किया जा रहा है कि ये रूसी सैनिक हैं। इन्हीं लाशों में से एक रूसी सैनिक की हरकत भी धीरे धीरे नजर आ रही है। क्या ये सैनिक मरे होने का नाटक कर रहे हैं? सच जो भी हो, लेकिन अजोव बटालियन ने कैसे इस दीवार के पास ग्रेनेड ब्लास्ट किए, एक बार फिर देखिए। ये बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। ये जंग का वो चेहरा है जो कोई कभी नहीं देखना चाहता। ये अजोव बटालियन यूक्रेन की नाजी मिलिशिया के नाम से बदनाम है, लेकिन इसी अजोव बटालियन ने रूस पर इल्जाम लगाया था कि रूस ने केमिकल हथियारों से हमला किया है। ये फोर्स जंग शुरू होने से पहले से ही रूस के निशाने पर रही है। अजोव बटालियन का आरोप है कि मरियुपोल में एक ड्रोन के जरिए केमिकल हथियारों से हमला किया गया, जिसके बाद लोगों की हालत बिगड़ने लगी, उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और कई लोग बेहोश हो गए। ऐसा रासायनिक हमलों के बाद होता ही है, और शायद इसीलिए अजोव बटालियन को रूस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अजोव बटालियन को लगता है कि रूसी सैनिक उन्हें पकड़कर उनका कत्ल कर सकते हैं। दूसरी तरफ रूस का लगातार मरियुपोल पर हमला जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आज एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में SU-34 विमानों का मूवमेंट नजर आ रहा है। इन विमानों ने उड़ान भरकर यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की सेना के गोदामों पर हवाई हमले किए। 31 पंक्त управления, 6 складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника. सवाल ये है कि क्या ऐसी ही कार्रवाई रूस स्टील प्लांट पर भी कर सकता है? और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले बोरिस जॉनसन अहमदाबाद के महात्मा गांधी आश्रम पहुंचे। इससे पहले अहमदाबाद पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत भी हुआ था। लोगों ने हाथ में तिरंगा और वेलकम टू इंडिया की होर्डिंग्स लेकर ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन का स्वागत किया। बताया जा रहा है कि गुजरात में ब्रिटिश PM कई महत्वपूर्ण निवेश प्रस्तावों की घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद कल वो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात भी करेंगे। साबरमती आश्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुद यहाँ पर देखिए। ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन यहाँ पर पहुंचे और अहमदाबाद में उनका भव्य स्वागत भी किया गया और अपने 2 दिवसीय यात्रा वो यहाँ पर करने पहुंचे हुए हैं। और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में वो पहुंचे और साथ साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात भी होने वाली है।